बहुत तेज भागता हुआ आया था मेरे को मारने के लिए। M4 मैंने रख रख के उसके बचा दिया, और यहाँ पर एक गंजा खड़ा हो रखा है। चल बेटा तू भी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं सीधा घूम कर जाने वाला हूँ उस हेलीकॉप्टर के पास, जिसमें बैठ कर और उस कंटेनर को लेकर मैं यहाँ से निकलूंगा। सामने की तरफ से फिर किसी ने मारा, हो रहा हो बंदा भाई। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई तो ना टावर के ऊपर से भी मुझे मार रहा है। बट यार जहाँ तक टावर के ऊपर जो बंदे थे ना, मैंने उनको मार दिया था, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और वहाँ पर बच जाओ। वैसे नहीं यार, जो उस साइड होगा वो मुझे थोड़ी उस टाइम पर दिखा होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो जो बंदे अभी मुझे दिख रहे हैं पहले उनको डाउन करता हूँ। ओ सामने दिखा, निकलो यहाँ से आप तो सर जी। कोई बंदा ना मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है बट मुझे नजर नहीं आ रहा। एक तो ये अभी आया था, इसको मैंने डाउन कर दिया है, शायद यही था वो बंदा। बट यार यहाँ पर अभी कसम से काफी ज्यादा बंदे है, फटाफट से मुझे इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ेगा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर वो मैग्नेट है या फिर नहीं है, बट अभी अगर होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया सीन है, वरना तो यार मुझे नहीं मालूम मैं उस कंटेनर को यहाँ से लेकर कैसे निकलूंगा। एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसका मैग्नेट बाहर निकालने की। तो ओके गाइस, अपनी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर वो मैग्नेट है। अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को उस कंटेनर के पास लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपनी कार को वो हेलीकॉप्टर का ये जो मैग्नेट है ना इसे तो ऑन कर लिया है, और साथ ही इसकी जो मैग्नेटिक पावर है ना जिससे ये सारी आयरन वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको भी मैंने ऑन कर दिया है। काफी सारा ढेर सारा आयरन भी इससे आकर चिपक सकता है। फिलहाल मुझे कंटेनर से करके मैंने इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद इस हेलीकॉप्टर के मैग्नेट से इस कंटेनर को अटैच कर लिया है, जिसके अंदर भाई वो खतरनाक एयर डिफेंस पड़ा हुआ है। फटाफट गाइस मुझे ना अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अगर भाई ये लोग की अगर पूरी फोर्स यहाँ पर आ गई ना तो मेरा जिंदा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ये जो काम है ना गाइस वो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था। एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस हेलीकॉप्टर को इस कंटेनर के साथ लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस, वो भी एकदम सेफली। मुझे यार अभी ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब मैं बीच रास्ते में था ना तो यार मुझे माइकल की वाइफ अमांडा के बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे, जब मैं जा रहा था तब भी आ रहे थे, लास्ट नाइट भी आए थे, और अभी दोबारा से आए। मुझे पता नहीं भाई क्या सीन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो किसी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हो, कहीं मिलिट्री कर्नल घर पे तो नहीं पहुंच गया भाई, क्योंकि उसने बोला था शहर छोड़कर नहीं जाना और मैं बाहर भी गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ गाइस, ये जो वेपन है ना ये मैं बिग माफी के भाई को बाद में दूंगा, पहले मैं चलता हूँ अपने घर पर, देखते हैं भाई आखिर सीन क्या है। मेरे को लग रहा है कि भाई माइकल की फैमिली किसी प्रॉब्लम में है। तो ओके गाइस फाइनली मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा घर पे पहुंच चुका हूँ, और यार अपने पास मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है बट इसके अंदर कोई भी हेलीपैड नहीं है, इसलिए मुझे इस हेलीकॉप्टर को स्टैनिस कोर्ट पे लैंड करवाना पड़ेगा। फिलहाल एकदम सही टॉप पर हम लोग इसके, जल्दी से इसे अब डाउन करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इस कंटेनर को मैंने नीचे रखवा के अपने हेलीकॉप्टर का मैग्नेट बंद कर दिया है, फटाफट से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर लैंड करवा देते हैं। और क्या ही सेफली लैंडिंग हुई है, मतलब टेनिस कोर्ट अपना यार बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर हम लोग चाहे तो भाई हेलीपैड बनवा सकते हैं। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। पहले इन लोगों ने मुझे दबा के कॉल करा, उस टाइम मैं पूरा बिजी था, मैंने इनका कॉल उठाया नहीं, और जब मैंने कॉल बैक कर रहा हूँ तो यार इनमें से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है, ना ही जिमी उठा रहा है ना ही अमांडा कॉल उठा रही है। अब फटाफट से गाइस घर के अंदर हम लोग चलकर देखते हैं भाई आखिरकार क्या सीन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पर मिलिट्री कर्नल आ रखा है पहले से हमें अरेस्ट करने के लिए, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे हम लोग घर में जाए गड़बड़ जाए। फिलहाल मैं पीछे वाले गेट से नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कोई जाते ही गड़बड़ हो, आगे वाले गेट से चलते हैं और चलकर देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल मुझे यहाँ पर ना ही अमांडा की कार नजर आ रही है, ना ही मुझे मेरी ब्लू वाली कार नजर आ रही है। हेलो भाई सारी गाड़ियां कहाँ पर चली गई यार अपनी। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं घर में आ चुका हूँ, और आज यार इतनी ज्यादा शांति कैसे है, मतलब घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा और आवाज लगाने पे भी कोई बोल नहीं रहा। यहाँ पर इन लोगों ने लेटर छोड़ा है शायद से मेरे लिए। माइकल आई थिंक यू फाइनली लॉस्ट योर माइंड, योर रीसेंट बिहेवियर इन द कंपनी यू हैव बीन कीपिंग ऑलरेडी हैड मी वेरी कंसर्न्ड। भाई मुझे लग रहा है इसकी जो फैमिली है वो पूरी परेशान हो चुकी है भाई इन सब चीजों से। And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Oh, bhai, bhai, क्योंकि last time black ops soldier भी घर पर आ गए थे। We've decided to move out for a while. और उनको मालूम पड़ चुका है कि भाई माइकल बहुत गलत बंदा है, कभी भी मारा जा सकता है। Like I'm in a movie. Well, this isn't that. और उस चक्कर में जिमी और ट्रेसी भी मारे जा सकते हैं। I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Okay. Amanda. Bye, bye, bye.